कांडा क्षेत्र को एक अलग ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर कांडा कमशार क्षेत्र के लोग भव्य यात्रा के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार को भेजे गए इस प्रार्थना पत्र में कांडा कमशार क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए ब्लॉक बनाने की मांग की गई। यात्रा में कांडा कमशार क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र के लोग ढोल नगाड़ों और छोलिया के साथ जिलाधिकारी अनुराधा पाल के पास पहुंचे। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का निवेदन किया। कांडा विकासखंड 1956 में भारत सरकार ने जब विकासखंडों का सृजन किया तब विकासखंड कांडा भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन तब तक कांडा में मोटर मार्ग नहीं था। तो उस समय ब्लॉक में काफ़ी ग्राम पंचायतें थी गरुड़ से लेकर यहाँ तक की, तो वो विकासखंड हमारा कठाईद्वारा में स्थापित किया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि धीरे धीरे जब रोड बन जाएगी तो इसको स्थापित कांडा में किया जाएगा, लेकिन फिर रोड बनी तो उसके बाद ये विकासखंड यहीं रह गया। अब आज आपको ताजुब होगा, अभी जिलाधिकारी महोदया बता रही थी कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा विकासखंड है। मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड का ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा विकासखंड है, क्योंकि हर जगह यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी 25 ग्राम पंचायतों के बीच एक विकासखंड बना है, लेकिन हमारे यहाँ 165 क्यों हो गए? क्योंकि पहले कम थे, हमारे पूर्व प्रमुख श्री इंद्र सिंह परिहार जी यहाँ पर हैं। जब ये प्रमुख थे उस समय भी लोगों ने मांग की कि हमारे यहाँ विकासखंड खोल दिया जाए, तो उस समय इन्होंने कांडा विकासखंड लगभग स्वीकृत हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 1997 में जब जिला बना तो उस समय बहन मायावती जी ने बागेश्वर जिले का सृजन किया, तो उस समय ताकुला विकासखंड, पहले बिलोना ताकुला विकासखंड में था, वहाँ की भी ग्राम पंचायतें इसमें मिलाई गई, और भैंसियाछाना विकासखंड जो रीठागाड़ का ओल्लापल्ला रीठागाड़ यह की ग्राम पंचायत है भी यहाँ इसमें मिलाई गई। तो ये बहुत बड़ा आकार हो गया, 165 हो गया। ये तो थोड़ा नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार होने से 10 ग्राम पंचायतें इसमें कम होगी, नहीं तो ये 175 इसे ऊपर का विकासखंड हो जाता है। इसलिए अब आप ताजुब करेंगे कि यहाँ पर कमशार से लोग आए हैं, यहाँ मतलब उससे बांसपटान से लोग आए हैं जो पिथौरागढ़ से मिलता हुआ है, तो यहाँ के ग्राम प्रधान अगर बागेश्वर पहुँचते हैं तो वो सुबह अगर चलते हैं गाड़ी में 1 बजे बागेश्वर पहुँचते हैं, और उसके बाद 3 बजे उनको घर जाने की यह देरी हो जाती है, चले जाते हैं, उन तक विकास की किरणें पहुँचती ही नहीं है। और फिर आज राज्य स्थापना दिवस है, हमने राज्य इसलिए तो मांगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो इसलिए हमें उत्तराखंड दिया जाए, तो राज्य बन गया। अब आप ताजुब करेंगे, हमारे यहाँ 5 तहसीलें हैं, 2 उप तहसीलें घोषित हो गई हैं, लेकिन विकासखंड 3 के 3 ही हैं, जो विकास की मुख्य जड़ है। इसलिए विकास ये कम से कम एक एक तहसील में एक एक विकासखंड तो होना ही चाहिए। तो इसलिए हम आज ये मांग कर रहे हैं कि हमारा विकासखंड बने, इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे कम से कम 50 गाड़ियों वाहनों में लोग यहाँ आए हुए हैं, अभी कुछ लोग आने में ही हैं जो दूर दराज के हैं, यह तो वो पहुँचते ही में हैं। तो इस बात के लिए एक ज्ञापन हमने दिया है, क्योंकि राज्य उत्तराखंड राज्य बन जाने के बाद हमारी स्थिति आप जानते ही हैं कि यहाँ पर राजनेताओं को तो काफ़ी फल फूल गए हैं, उनके उद्योग लगे हैं, खड़ियों में आज सब देखेंगे सब यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कब्जा है, जो बनता है वो एक खड़िया की खान अपने साथ ले आता है। तो इसलिए ऐसे कैसे विकास होगा, यहाँ क्यों नहीं इतना बड़ा खड़िया का यहाँ पर है, तो यहाँ खड़िया उद्योग क्यों नहीं लगता है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये भी हमारी मांग है। इसमें कम से कम देखिए, अगर आप लोग केवल अपने जनप्रतिनिधियों की वाहवाही करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं तो विकासखंड कब के बन गया होता। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे सरकार प्रतिनिधि किसी पार्टी का हो, सरकार बनने के बाद वो सबका प्रतिनिधि होता है, केवल पार्टी की बात चुनाव तक करनी चाहिए, उसके बाद वो हमारा जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनको भी जनता की बात को ध्यान से देखना चाहिए। इस समय हमारा मुख्य हमारे आज माननीय मंत्री जी यहीं के हैं बागेश्वर के, हमारे विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी नज़दीक के हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन सबको हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अब तो चिट्ठियों का जवाब भी नहीं आता। ताजुब की बात यह है, पहले हम देखते थे तो पूर्व शासन कालों में लोग चिट्ठियों का जवाब दे देते थे, आप बड़ा सा बड़ा ज्ञापन भेज दीजिए पता नहीं उसका कोई अंदाज नहीं होता। तो इसलिए भी हम इनको चेताने के लिए आए हैं, आज राज्य स्थापना दिवस था, हमने इसलिए ढोल धमावे के साथ स्वागत करने आए हैं, लेकिन भविष्य में जब आएंगे तो फिर अगर नहीं बात मानी जाएगी फिर क्यों पंडित जी, फिर बेकरार रूप से हम आगे को बड़ा मतलब संघर्ष करेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। हमारे सीसीएन न्यूज के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।